स्ट्रीम और आप देख रहे हैं द नेटिज़न न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। अंतरिम बजट 2024-25 के मुख्य बिंदु उत्तर मध्य रेलवे से संबंधित। नई लाइनों के निर्माण हेतु 0.13 करोड़, आमान परिवर्तन के लिए 590 करोड़, दोहरीकरण के लिए 3669.14 करोड़, यातायात सुविधाओं के लिए 1294.91 करोड़, सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 545.94 करोड़, रेलपथ के नवीनीकरण हेतु 860 करोड़, पुल संबंधी निर्माण कार्य के लिए 169.75 करोड़, सिग्नलिंग कार्यों के लिए 460 करोड़, बिजली संबंधी कार्यों के लिए 226.81 करोड़, कारखानों हेतु 82 करोड़, कर्मचारी कल्याण कार्यों के लिए 37.73 करोड़, उपभोक्ता सुविधाओं के लिए 951.81 करोड़ प्राप्त हुए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारी संसद में वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट प्रस्तुत किया गया। रेल बजट भी इसी का पार्ट होता है, जैसे आप सभी लोगों को ज्ञात है। तो इस वर्ष खुशी की बात यह है कि इस वर्ष में रेलवे को रिकॉर्ड स्तर पर कैपिटल एलोकेशन किया गया। 2,52,000 करोड़ रुपये का कैपिटल अलॉटमेंट रेलवे को किया गया है, जिसमें से आगरा डिवीजन जैसे जहाँ से आप लोग हैं तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का जो एलोकेशन है, आउटले है, जिसको हम बजट आउटले बोलते हैं, करीब 19,500 करोड़ रुपए का इस बार रिकॉर्ड आउटले अलॉटमेंट किया गया है। तो आगरा डिवीजन की बात की जाए तो कुछ अभी आगरा डिवीजन के डिटेल अभी आने बाकी हैं कि स्पेसिफिकली आगरा डिवीजन में क्या क्या अलॉटमेंट किया गया है, परंतु चूंकि प्रोपोर्शनली इतना ज़्यादा बजट बढ़ा है तो सभी का बजट एलोकेशन, वी आर होपफुल कि आगरा की भी एलोकेशन उसी रेशियो में बढ़ा होगा। सर आगरा मंडल जो कि कई स्टेट से जुड़ा हुआ है, हाँ उसका भी फायदा मिलेगा। आगरा डिवीजन जैसे आपको पता है कि राजस्थान और हरियाणा के भी कुछ सेक्शन हमारे डिवीजन में आता है, तो चूंकि सभी में प्रोपोर्शनली बजट बहुत बड़ा है, राजस्थान में भी इंक्रीज हुआ है, हरियाणा में भी इंक्रीज हुआ है, तो उसका फायदा भी आगरा डिवीजन को मिलेगा। सर जिस तरीके से गतिमान है वंदे भारत इस तरीके खेलने को कुछ है क्या बजट के अंदर? अभी उसके थोड़े डिटेल देखने पड़ेंगे, अभी डिटेल अभी आए नहीं है। ठीक, थैंक यू। रेलवे स्टेशनों के साथ मेट्रो स्टेशनों के एकीकरण, गिट्टी रहित ट्रैक, त्वरित जल व्यवस्था प्रणाली की स्थापना, गुड्स शेडो में अवसंरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, स्टेशनों के उन्नयन हेतु उपभोक्ता सुविधाओं के अंतर्गत प्रमुख उन्नयन, रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक्सेलेटर, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, स्टेशनों पर लिफ्ट के प्रावधान, दिव्यांगजन व अन्य यात्रियों की सुविधाओं के लिए बजट में प्रावधान है।